हरियाणा के वीर जवानों ने पेश की वीरता की मिसाल। ज्ञानचंद गुप्ता, उन्होंने कहा कि आजादी के आंदोलन की पहली चिंगारी 10 मई 1857 को हरियाणा के अंबाला से फूटी थी। सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि 9 वर्षों में प्रदेश में 1000 से अधिक बड़े व मध्यम तथा लगभग 2 लाख सूक्ष्म और लघु उद्यम स्थापित किए। बहन बेटियों को उच्चतर शिक्षा के लिए 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज स्थापित किया। प्रदेश में 76 नए कॉलेज खोले गए हैं। प्रॉपर्टी आईडी बनाकर संपत्तियों की खरीद बेच में होने वाली धोखाधड़ी को समाप्त किया। संपत्ति के लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट को भी ऑनलाइन किया। आज 20 की सतर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पंचकूला प्रशासन के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें सबसे पहले शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को नमन, शहीदों को अपने सम्मान और उसके पश्चात परेड ग्राउंड से पंचकुला के अंदर बच्चों के द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत देशभक्ति के गीत और हमारे देश की विभिन्न जो कल्चर्स हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उसकी झांकियां हमें देखने को मिली। मैं आज इस अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और कामना करता हूं कि हमारा देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है और तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। आज पंचकुला का स्थापना दिवस है, क्या कहेंगे? देखिए, आज पंचकुला का यूं कह रही डिस्ट्रिक्ट का जो है वो पंचकुला का नहीं है, पंचकुला जिला का जरूर स्थापना दिवस है। मैं इस अवसर पर सभी पंचकुला वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनसे एक अपील करता हूं कि आज हम संकल्प लें कि हमारे जो सात सरोकार हैं, पंचकुला नशा मुक्त हो, पंचकुला प्रदूषण मुक्त हो, पंचकुला प्लास्टिक मुक्त हो, पंचकुला स्ट्रे कैटल स्ट्रे डॉग्स फ्री हो, पंचकुला एनक्रोचमेंट फ्री हो और पंचकुला स्लम फ्री हो। ये जो सात सरोकार, ये मेरे नहीं, पंचकुला के सभी वासियों के हैं। इन सरोकारों को पूरा करने के लिए मैं पंचकुला के सभी नागरिकों से अपील करूंगा कि हम सब मिलकर के पंचकुला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा शहर बनाने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें और पंचकुला जो स्मार्ट सिटी बने उसके लिए हमें विशेष प्रयास करना चाहिए। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।